वो तो ठीक है. और आप लोग के नियमित वाला जैसा टास्क है अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? डियर फाइव प्रो. वेलकम सलाम मैम. वेलकम सलाम मैम. कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं आप सुनाएं, आप कैसी हैं? हां जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूं. मैम जी, वो जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन वाली स्लाइड्स आपने एलएमएस पे अपलोड की हुई हैं, तो मैम कौन से डे की हैं? डे नंबर बता दें उनका. वो लेक्चर नंबर 1 था मैम. हमने मैम हमने डे 1 का सारा उसी से पढ़ना है. डी वन का आ जाएगा ना. लास्ट टाइम तो हमने डे 3 और 4 पढ़ा था, तो वो 1 और 2 था जी मैम. इसी तरह था थर्ड फोर. हमें मैम मैं कहती हूं ना, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन वाली स्लाइड्स जो है, मतलब हम उसी में से तैयार कर रहे हैं डे 2 और डे 1. बेटा नहीं, मैंने आपसे कहा कि आपने बुक मस्ट पढ़नी है, ठीक है. मेन जो आपका सोर्स है वो ये बुक है जिसका नाम है बेड साइड टेक्निक, ठीक है. अब अपने लॉग बुक को भी साथ साथ देखते रहें, ठीक है. उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफी सारा ये कवर कर लेती है बुक आपकी. अगर कोई बात रह जाती है तो लॉग बुक से आप देख लें, और दिस वुड बी इनफ फॉर यू. बाकी ये कि आज सिर्फ बेड साइड टेक्निक ही पढ़नी है ना जी बेटा. बेड साइड टेक्निक और लॉग बुक भी साथ में. ओके मैम, ठीक है. बल्कि आज मैंने कुछ वीडियोस लेकर आनी थी, लेकिन वो मेरे माइंड स्किप हो गया. आज मुझे अभी दोबारा लग, बल्कि आज मैं आपको इनवाइट भी अभी भेजा है, मेरे माइंड में नहीं था. तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू बताया करूंगी ये सारा एग्जामिनेशन, ताकि आप लोगों को एक पिक्चर तो पता चले ना कि किस तरह से एग्जामिनेशन किया जाता है. मैम जी, मैम पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है. बेटा अवेलेबल है, लेक्चर में आने से पहले देख के आया करें मैम. लेकिन मुझे वो वहाँ पे शो नहीं हो रही, वहाँ पे ना एसेस नहीं आ रहा, उस पे आ रहा है कि आगे से आप अगर हमें एसेस प्रोवाइड करेंगी तो वो मुझे शो होगी. लेकिन मैंने उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन वहाँ से आपने क्या अप्रूव नहीं की. अच्छा बच्चों, मैं देख लूंगी मे बी. नहीं नहीं बेटा, वो ये मसला नहीं है. जब आपके पास एक ऑफिशियल आईडी है अपना यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग उसको क्यों नहीं यूज करते? मैम मैंने उसी को यूज किया, लेकिन पता नहीं वो ओपन नहीं हो रही. आगे से आ रहा था कि टीचर अगर प्रोवाइड करता है तो एसएस. आगे से रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने आपको. चले मैं इसको एक दफा ओपन करके देखूंगी कि कहीं एक्सेस मेरी तरफ से लॉग तो नहीं होगी. यस मैम, ईमेल की थी आई एक्सेस की, तो मेरे जहन में यही था. मैंने उसको आज ओपन नहीं कर सकी, कुछ मीटिंग थी हमारी. मेरा ये ख्याल था कि आप लोगों ने वो अपनी ऑफिशियल आईडी से नहीं किसी और आईडी से.
ओके मैम, थैंक यू मैम. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम, अब मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी ओपन हो ही रही है, तो फिर हमारी रोटेशंस होंगी? बेटा कुछ पता नहीं है, हमारे तक अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है या नहीं हो रही. मैम हमारी एसबी 1 की रोटेशंस भी नहीं हुई थी, तो हम लोगों को इसी चीज की टेंशन है कि हम लोग मतलब थ्योरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे. यस मैम. बच्चों अब आपको पता है ये पेंडेमिक है, क्या करें, ऐसा चीजें मतलब ओपन तो हो रही है, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट. मैम हमने सरफनान से कहा था, सरफनान से कहा था, तो वो कह रहे थे कि आपके जो एससीपी के जो टीचर्स हैं और खासतौर पर सर हारिस हैं, आप उनसे बात करें, क्योंकि वो हेड हैं एससीपी के, तो उनसे कहें, तो वो अगर कराते हैं तो फिर आप लोगों को लेके जा सकते हैं हम लोग हाइब्रिड मोड पे, रोटेशन पे. मैम असल इशू ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाले लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, असल ये है कि हमारा अफिलिएटेड जो हॉस्पिटल है वो सुरैया अजीम है, और वो उन्होंने कोविड का कैंप बनाया हुआ फिलहाल. लेकिन मैम सर अफनान कह रहे थे कि हम दूसरे हॉस्पिटल्स में तो लेके जा सकते हैं, अगर अगर टीचर्स अगर रिक्वेस्ट दें. दूसरे हॉस्पिटल्स में हम कैसे लेके जाएंगे, हमारा अफिलिएशन हुआ तो ये सारा कुछ तो यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है. ये तो एक नॉन फैक्ट है कि ये क्लिनिकल कोर्स है तो ये हॉस्पिटल रोटेशन होनी है, इसमें टीचर्स ने क्या इनको रिक्वेस्ट करनी है. मैंने कहा दिस इज नोन टू एवरीवन कि ये क्लिनिकल कोर्स है, दैट मींस इसको हॉस्पिटल से पढ़ाया जाना है. यस मैम, लेकिन अगर हम हायर अथॉरिटी से बात करते हैं तो वो कहते हैं आप अपने टीचर से बात करें. मैम हम लोग फिर किससे बात करें? अच्छा चलिए, आपने मेरे से बात कर दी है, मैं कल जाके बात करके देखती हूँ इस हवाले से कि ये हमें क्यों कह रहे हैं, तो इन लोगों ने खुद डिसाइड करना होता है. वैसे बाकी सहारे किसको हेड करते हैं तो देखते हैं, उनकी क्लासेस होती है इवनिंग की, मेरी मॉर्निंग की होती है, वो मुझे मिलते ही नहीं. आज जी वो टाल रहे हैं हो सकता है इस तरह की बातें करके ना इनको टाल रहे हैं ताकि ये बार बार तंग ना करें. मैम हमें पिछली दफा कहा था पिछले सेमेस्टर में कि हमें एससीपी 1 की जो रोटेशंस है ना एससीपी 2 के साथ कराएंगे, और अब मैम ये लोग कह रहे हैं कि नहीं एससीपी 1 को भूल जाएं, वो तो आप लोगों का बस बेसिक था, उसमें कौन सी रोटेशंस की इतनी जरूरत है, एससीपी 2 को बस देखो उसमें कराएं रोटेशंस नहीं होनी. और मैम एससीपी 2 की भी नहीं हो रही तो फिर बाद में लोगों ने कहना एससीपी 3 के साथ कराएंगे. मैम इस तरह तो नहीं ना होता, फिर हम लोग पूरी डिग्री में इस तरह वेट करते रहेंगे. यार गवर्नमेंट की तरफ से चीजें खुलेंगी तो यूनिवर्सिटी कोई एक्शन लेगी ना, जब गवर्नमेंट आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखी ना कि कोविड के तो रेन लाहौर में कंट्रोल हो रहा था, आईवीसी कंट्रोल हो जाए अब आगे तो फिर सब कुछ खुल जाएगा, हमें भी सुकून हो जाएगा. ये जो ऑनलाइन का चक्कर, हम भी इससे बहुत इरिटेट होते हैं, बच्चों होते नहीं है सामने, हम बोलते रहते हैं. तो क्लासरूम का एक अपना ही इन्वायरमेंट है जिसमें सब लोग सामने बैठे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, और आपको पता चल रहा है कि बच्चा सुन रहा है और उसको समझ भी आ रही है. लेकिन मैम गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दी है कि हेल्थ साइंसेज और एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस खोल दें, तो बच्चे भी देखते हैं ना, हमें भी कोई खबर नहीं होती अंटिल की यूनिवर्सिटी को ईमेल करें. मैम हमारे ऊपर से वो कह रहे हैं कि नहीं आप लोगों की हेल्थ साइंसेज में मतलब ये आपके वो तो नहीं ना है, पूरी मेडिकल यूनिवर्सिटी तो नहीं ना है, तो इसलिए आप लोग वेट करें. हम भी वेट ही कर रहे हैं कि क्या होता है अगले वीक से, ऑनलाइन क्लासेस भी रहती हैं या फिर ऑन कैंपस हो जाती हैं. मैम आपको भी कुछ नहीं बताया गया? नहीं बेटा हमें कुछ नहीं बताते, वो एक ईमेल ही आती है जो सबको आती है, अलग से हमें कुछ नहीं बताते. और वैसे भी ये डिसीजन तो ऐसे हैं कि बस हर वक्त नए से नया डिसीजन आता ही रहता है, तो हर अगली ईमेल का इंतजार होता है. जैसे कि आप लोगों को पिछले एग्जाम का भी पता है, उसमें भी ऐसे ही होता रहा है ना, अभी ऑनलाइन है तो अभी ऑन कैंपस है, अभी ये ऑब्जेक्टिव है तो अभी ये सब्जेक्टिव है, तो फिर आजकल पॉलिसी बहुत चेंज होती रहती हैं, कुछ भी कंफर्म हो गया हमें नहीं पता होता. मैम यूनिवर्सिटी वाले तो ऐसे हैं कि एक दिन पहले मेल करके कह दें कि नहीं अब वो मतलब ऑनलाइन ही लें, अब ऐसे हैं वो. नहीं नहीं ऑनलाइन कह देंगे, एक दिन पहले ईमेल करके कहेंगे कि नहीं, एक दिन पहले ईमेल करेंगे कि करके कहेंगे कल आपको डिग्री मिल रही है, शुक्रिया डिग्री मिल रही है आज ना. मैम मेल ना आ सकती रिक्वेस्ट, काफी बच्चे होस्टलाइट भी तो हैं. चलें बच्चे देखते हैं ना, ये जो इनका दिल करेगा वो ये करेंगे. अब हम चल मैम आप पढ़ाएं, छोड़ें इनको, इन लोगों ने लगे रहना है. चलें मैम पढ़ाएं आप जी.
अच्छा बच्ची, हमारा जो अभी मैं पिछला सुनती हूँ, इसके बाद पहले हम जरा स्टार्ट ले लें थोड़ा सा, आज से थोड़ा इजी चीज हम कवर करने जा रहे हैं। मैम इसको रोटेट कर ले स्लाइड्स को। अच्छा डायरेक्शन दूसरी कर लूँ? अच्छा ठीक है, मैं यस मैम। मैम ठीक है, ये तो ज्यादा छोटी नहीं होगी? No, yes, मैम छोटी हो गई है। ठीक कर ले मैम, जो ऊपर से मोबाइल से रोटेशन होती है उसकी बात कर रही हूँ। बेटा मोबाइल से रोटेशन भी ऐसी होना मैम। मैम हम जूम कर लेते हैं, आप कुछ ना करें, हम जूम कर लेते हैं। ठीक है अब मैम, ठीक है, ठीक है अब चले। ठीक है ठीक है। अच्छा तो लास्ट में हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की, उसका हमने फर्स्ट पार्ट भी कवर किया जिसमें की उसकी हमने जनरल फिजिकल अपीयरेंस देखी, अपीयरेंस की बात हुई, फिजिक की बात हुई, कॉन्शियसनेस, पोस्चर, एटीट्यूड, इन चीजों को हमने डिस्कस किया। हमारा जो आज का लेक्चर है हम उसमें उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जिसमें हम उसकी वाइटल साइंस की बात करेंगे। वाइटल साइंस में आज हम पल्स को देखेंगे और साथ में ब्लड प्रेशर को देखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और रेस्पिरेटरी रेट भी देख लेंगे, शायद आज ही देखें। अच्छा जी, अब पल्स, पल्स होती क्या है जरा मुझे बताएं थोड़ा सा। जी वैसे पल्स क्या होती है मैम? आर्टरीज में ना हार्ट की जो बीट होती है वो फील कर सकते हैं आप, उसकी पल्सेशन फील कर सकते हैं इन द पेरिफ्री में, जो सारी आपकी आर्टरीज आ रही है, रेडियल आर्टरी है और फेमरल तो नहीं है सच, टीबियल को भी पल्स कर सकते हैं, ब्रेकियल होती है, तो ये सारी हम लोग हार्ट की बीट को चेक करने के लिए उसकी पल्सेशंस चेक कर सकते हैं आर्टरीज में। ठीक हो गया बच्चे, ये जो पल्स है हमारे पास, हमारे पास क्या होती है, ये एक वेव होती है, ठीक है। जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, आप ये कहें कि उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पुश करता है टुवर्ड्स द बॉडी, तो ब्लड तो बाद में ट्रेवल करता है, उससे 10 times फास्टर ये हमें बीट आती है, जो कि ब्लड कॉलम की आप ये कह लें कि ब्लड कॉलम को एक वेव जो ट्रांसफर होती है उसे हम कहते हैं पल्स, ठीक है। पल्स कहाँ पे हम फेल्स करते हैं, जहाँ पे भी कहीं है आर्टरी किसी बोन के अगेंस्ट प्रेस कर रही होती है वहाँ पे पल्स को हम पल्पेट करते हैं। नॉर्मली पल्स कितनी होती है, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट कहा जाता है, जबकि इसकी जो रेंज है दैट इज बिटवीन 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। इफ दिस पल्स रेट इज लेस देन 60 इट इज नोन एज ब्रेडीकार्डिया, एंड इन केस इफ इट इज मोर देन 100 बीट्स पर मिनट इट इज नोन एज टैकीकार्डिया। देन देयर एग्जिस्ट अनदर टर्म दैट इज नोन एज रिलेटिव ब्रेडीकार्डिया। अब रिलेटिव ब्रेडीकार्डिया क्या है, इट इज सेड फॉर एवरी 1 Fahrenheit rise in temperature but in case ऐसा हो कि temperature तो rise कर रहा है, ठीक है, लेकिन pulse rate जो है वो 1 Fahrenheit से कम rise कर रहा है, sorry pulse तो beats में थी ना, temperature तो 1 Fahrenheit के हिसाब से rise कर रहा है, लेकिन जो उसमें pulse rise हो रही है वो हर 1 Fahrenheit के साथ 10 बीट्स नहीं हो रही, ठीक है, कम है इससे, मे बी 5 बीट्स पर मिनट हो रही है, तो दिस इज नोन एज रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। अब अगर हम पल्स की बात देखें तो पल्स आपके पास कितने टाइप की आती है, जरा किस चीज को हम डिस्कस करते हैं। मैम ऑडियो में ना थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रहा है आपके माइक में। जी मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। बच्चों अगर आप 2 मिनट दें तो मैं हैंड फ्री देखती हूँ।
मैम अब तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मैम म्यूट पे आ जाएगी ना। अच्छा चलो ठीक जी। बच्चों क्या कह रहे हैं? मैं हैंडफ्री देख रही थी अपनी। मैम रिलेटिव पेडिकार्डिया रिपीट कर दें, डिस्टॉर्शन हो रहा था माइक में। अच्छा ठीक है करती हूँ। जी बच्चों अब आवाज ठीक आ रही है? जी मैम आ रही है आवाज। ठीक है, पता नहीं फिर हैंड फ्री के बगैर क्यों नहीं सही आवाज आती, मुझे बताएं। मैम वो ना माइक से दूर होता है और इधर माइक के पास होता है, हैंड फ्री में माइक पास होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया में बात कर रही थी, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अच्छा इट इज सेड कि फॉर एवरी 1 फारेनहाइट इंक्रीज इन टेंपरेचर योर पल्स रेट इंक्रीजेस 10 बीट्स पर मिनट। जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है तो पल्स रेट भी राइज करता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि बॉडी का टेम्परेचर तो 1 फारेनहाइट इंक्रीज हो लेकिन पल्स रेट 10 बीट्स पर मिनट इंक्रीज ना हो, उससे कम इंक्रीज हो, तो दिस इज नोन एज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, आपका होम टास्क है यहाँ पे गिवन है। जी होम टास्क क्या है? आपने करना है राइट डाउन कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रेट। ठीक है, causes of abnormal heart rate बहुत clearly आपके पास yes ma'am bedside techniques में एक table बना हुआ है। मैम इसमें major cause तो heart disease होगी ना? मैम जी बच्चे बोल रही हूँ, इधर ही हूँ। अच्छा मैं आपसे बात करती हूँ, नॉर्मल हार्ट रेट की जो कॉजेज है उनका एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, आपके पास बेड साइड टेक्निक में, तो आपने वो टेबल जो है वो टेबल आपने यहाँ पे अपनी लॉग बुक पे ड्रॉ करना है। ठीक हो गया? ओके मैम सही। ठीक है ये सही है। अच्छा और इसके अलावा चलें ठीक हो गया, आगे चलते। अच्छा मुझे ये बताएं कि पल्स कहाँ कहाँ पे पल्पेबल है, कौन कौन से एरिया पे हम पल्पेट करते हैं पल्स? मैम रिस्ट पे कर सकते हैं, नेक पे भी कर सकते हैं, बिहाइंड द ईयर भी कर सकते हैं। पल्स के नाम बताएं ना सारे मुझे। मैम रेडियल पल्स, ब्रेकियल पल्स और इधर रेडियल ब्रेकियल, रेडियल ब्रेकियल, कैरोटिड पल्स, कैरोटिड पल्स, कैरोटिड पल्स, फेमोरल पल्स, पल्स और कौन सी? यस मैम ऑक्लिटियल पल्स, टीबीएल भी होते हैं, डोर्सालिस। अच्छा पोस्टीरियर टीबियल पल्स कह रहे हैं, पोस्टीरियर टीबियल के साथ डोर्सालिस पीडस भी आती है, फिर पॉपलीटियल पल्स भी आती है। ठीक है अच्छा बच्चों अगर बात करें, देर आर 8 साइट्स इन द बॉडी टू चेक द पल्स रेट, द मोस्ट कॉमन एंड अप्रोप्रिएट साइट हाउएवर यूज्ड इज द रेडियल पल्स। अब वो साइट्स कौन कौन सी आती है पल्स मेजर करने की, उसमें हमारे पास आ जाती है। बच्चों अजान तो नहीं हो रही? नो मैम अभी नहीं हो रही। नो मैम ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसमें हमारे पास आती है रेडियल पल्स, कैरोटिड पल्स, ब्रेकियल पल्स, टेम्पोरल पल्स, फीमोरल पल्स, dorsalis pedis and apical pulse to nahi posterior tibialis pulse zyada commonly hum jo hai wo dekh rahe hote hain. theek hai acha ab technique kya hai measure karne ki, the correct technique to palpate the radial pulse involves placing the three pads of the three fingers along the radius which is on the lateral side of the wrist. The pads of the fingers are placed on the radius bone close to the flexor aspect of the wrist. आपने क्या किया, अपनी थ्री
सेंटर वाली थ्री फिंगर्स ली जिनमें आपके रिंग फिंगर आ गई, मिडिल फिंगर आ गई और थर्ड फिंगर का क्या नाम है? इंडेक्स फिंगर. ठीक है, इन तीनों फिंगर्स को आपने क्या करना है, रिस्ट का जो फ्लेक्शन जहाँ पे हम करते हैं ना, अब ये कहेंगे बिल्कुल जो रिस्ट का एरिया है उससे डिस्टली आपने प्लेस कर दिया ऑन टू योर फोरआर्म, और फोरआर्म में भी कहाँ पे आपने प्लेस कर दिया ऑन टू योर रेडियस बोन. ठीक है, अब आपने जब इसको प्रेस किया तो आपने क्या करना है, जो आपकी साइड वाली दो फिंगर्स हैं आप उनको प्रेस करते हैं नीचे की तरफ. ठीक है, प्रेशर देते हैं आर्म पे ना नीचे की तरफ, और जो आपकी सेंटर वाली फिंगर होती है जो कि इंडेक्स फिंगर है उसको आप थोड़ा सा लाइटली प्लेस करते हैं दो फिंगर्स के बीच. बच्चे मेरा ख्याल है आसान हो रही है. यस मैम, स्टार्ट हम कल से चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आसान के बाद ना कर लें स्टार्ट लेक्चर, अजान के बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम से, बेटर यही वैसे रहेगा. नहीं नहीं मैम, क्योंकि 7 बजे अजान हो जाती है तो वो ये कह रहा है कि 7 बजे ना लेक्चर स्टार्ट कर लिया. बेटा अभी तक हमने काफी कुछ पीछे से कुछ पढ़ के आए, काफी सारी डिस्कशन करके आए, आप चाहते हैं हम शुरू ही सवा 7 बजे करें या मैम फिर इससे पहले नहीं मैम ब्रेक ठीक है. अजान ब्रेक लेने में क्या इशू है आप लोगों को? नो मैम कोई इशू नहीं है. हाँ, मैम कोई पढ़े नमाज? जी जी बिल्कुल नमाज पढ़े, 10 मिनट की ब्रेक है. ओके मैम, ओके अल्लाह हाफिज़, 10 मिनट बाद मिलते हैं. ओके मैम.
यार काइंडली जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर ले। मरियम नदीम मरियम नदीम प्रेजेंट यार अपना माइक बंद कर ले अपना माइक ऑफ अपना माइक ऑफ तो पागल तो नहीं हो गई माइक म्यूट करो मैम मेरी अटेंडेंस रह गई अब्दुल अहद भाई अटेंडेंस मैम मेरी अटेंडेंस नहीं हो रही माइक म्यूट करो ये सारे सोए हुए हैं अटेंडेंस लगाने के लिए आए मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरी अटेंडेंस में एक बच्चा बोले अटेंडेंस नहीं हो रही वो एक बच्ची का माइक ऑन था उसको माइक ऑफ करने को बोला है बस यस
मैडम कहाँ गई है? नमाज पढ़ने। आप सब लोग भी नमाज पढ़े। ठीक है हाजी साहिब, पढ़ लिया, पूरा दिन की कज़ा तो नहीं पढ़े। अच्छा यार मुझे पता है आप लोगों ने पढ़नी नहीं है, मुझे ये बता दो कि SCP2 का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया किसी बच्चे ने? हाँ यार प्लीज कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। हाँ यार पहले ही बना हुआ है। बना हुआ है ग्रुप और चैट में, चैट में उसका लिंक भी दिया हुआ है। मैं मेल कर देती हूँ यार सबको। चलो मेल कर दो। हाँ प्लीज मेल कर दो। हाँ कर देती हूँ। इधर ये जो चैट बॉक्स है इधर वो उसका लिंक सेंड हो सकता है? सेंड हो जाता है आपको। लिंक ऑलरेडी वहां पर सेंड किया होगा किसी ने। कोई सेंड कर दो यार, वापस आना पड़ गया। यही सेंड बाद में दोबारा सेंड कर दो अगर तुमने बनाया तो। मेल कर दो बस। हां कर देती हूं रुको। ओके मुझे भी मेल आनी चाहिए। चैट में सेंड कर दिया, चेक करो। ओके हो गया, वेरी गुड। मेल में तो बाकी बच्चे ऐड नहीं है, मतलब टू मी लिखा हुआ खाली। चैट में कर दिया यहीं से, ऐड हो गया ना वो, चैट में सेंड कर दिया। जिसने करना होगा वो ज्वाइन कर लेगा, यहाँ तो क्लास तो सारे बच्चे लेते हैं। हाँ ठीक है यहीं से कर लो सारे। स्टूडेंट्स ये एक्स्ट्रा की जो है ना बातें मत चैट में लिखते रहा करें, कोई जो काम की बात हो सिर्फ वो किया करें। ठीक है आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं ना? यस मैम। मैम सुन रहे हैं। मैम काम की बात बोल के कर ली थी। यस मैम। क्या हुआ? बच्चे कुछ कह रहे थे कुछ नहीं मैम, स्टार्ट करें। कर ली थी वो एक बात करनी थी ग्रुप की, वो बोल के कर ली थी काम। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी हम बात करते पल्स को मैयर करने की। मैंने आपको टिकटिक बता दी कि का ना माइक का इशू था, उसका माइक मैं देख लेती हूँ यहाँ से। बच्चे अब तो फिलहाल सबका माइक ऑफ है, ठीक है। अच्छा जी हम बात पल्ला ये जिस तरफ कोई पकड़ो उधर से रोटेट हो जाता है। अच्छा हमने टेक्निक की बात की, टेक्निक क्या है हमारे पास पल्स को मैयर करने की। ठीक है थ्री फिंगर्स हमने प्लेस करनी थी, साइड वाली दो फिंगर्स से प्रेस करना था और थर्ड वाली से फिर हमने फील करना होता है पल्पेशन जो पल्स की आ रही होती है। ठीक है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर टेकिंग योर पल्स वो टेक्निक थी, जनरल इंस्ट्रक्शन सुन लें, दैट वाज टेक्निक एंड नाउ कम्स द इंस्ट्रक्शन। बच्चे जो चीज में जितना स्ट्रेस दे के पढ़ाती हूँ ना जरा उसको जहन में रखा करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो फिर वाइवा में पूछ ली जाती है। मैम ये पल्स वाली अगर वीडियो दिखा दें तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, इस तरह समझ नहीं आ रही। मैं तो सारी वीडियो दिखाऊंगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट लेक्चर में एटलीस्ट आज वाली दो वीडियोस तो आ जाए ना आपके पास। एक तो ये कि पल्स किस तरह से मैयर करनी है। बच्चे सारी क्लास की दिखाऊंगी डोंट वरी, लेकिन मैंने ये कहा कि एटलीस्ट ये दो नेक्स्ट क्लास में हम कर लें ताकि काम पाइल अप होने की बजाय हम कुछ कुछ काम साथ साथ करते जाएं। ठीक है और अगर अभी टाइम बचा तो अभी हम कोई ढूंढ लेंगे। To get an accurate pulse, take your pulse the same time each day. Sit down and rest several minutes before taking your pulse. Count your pulse for a full 60 seconds.
unless told otherwise by your healthcare provider. ठीक है, अब क्या हुआ, same time पे लेनी है आपने, रेस्ट के बाद लेनी है, ऐसा ना हो कि खाना खाया हो, ऐसा ना हो कि भाग के आए और उसके बाद ले रहे हैं, ठीक है, उससे चेंज हो जाती है पल्स. और दूसरा ये कि टोटल 60 सेकंड्स के लिए लें और फिर उसके बाद उसको काउंट करें. टेकिंग योर रेडियल पल्स विद योर पाम अप, लुक एट द एरिया बिटवीन योर रिस्ट बोन एंड द टेंडन ऑन द थंब साइड ऑफ योर रिस्ट. रेडियल पल्स कैन बी टेकन ऑन ईदर रिस्ट. Use the tip of the index and third finger of your other hand to feel the pulse in your radial artery between your wrist bone and the tendon on the thumb side of your wrist. Apply just enough pressure so that you can feel each beat. Do not push too hard or you will obstruct the blood flow. Watch the second hand on your watch or clock as you count how many times you feel your pulse. Record the pulse rate. अच्छा जी, ये तो एक general सा method था pulse को मेजर करने का. अब हम देखते हैं कि जो सारी पल्सेस हैं इनको कहाँ कहाँ हम मेजर करते हैं. रेडियल पल्स. जी बेटा, रेडियल पल्स हम कहाँ मेजर कर रहे थे? रेडियल पल्स हम मेजर करते हैं हैंड प्रोनेटेड फॉर्म में और स्लाइटली फ्लेक्स टू रिस्ट आपकी. तो रेडियल आर्टरी को हम पल्पेट करेंगे एट द हेड ऑफ द रेडियस. फिर हम बात करें ब्रेकियल पल्स की. तो ब्रेकियल पल्स में हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने अपना जो आर्म है उसको वो फोर आर्म को एल्बो पे फ्लेक्शन कर ले. जैसे ही वो स्लाइटली फ्लेक्स करता है आप कहेंगे अराउंड 30 डिग्री फ्लेक्शन करवा लेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम जैसे वो फ्लेक्स करते हैं तो हमें बाइसेप्स का टेंडन साथ ही कॉर्ड लाइक फीलिंग आती है अगर हम पल्पेट करें. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. यस मैम. जी बच्चों, कहाँ तक आपने मेरी आवाज सुनी है? मैम ब्रेकियल पल्स स्टार्ट किया अभी. रेडियल पल्स था वो रीड किया था बस. अच्छा जी, ब्रेकियल पल्स अभी शुरू ही किया था तो वो शुरू ही था अभी. आपने क्या कहना है कि आपने पेशेंट को कहना है कि अपनी जो एल्बो है उसको स्लाइटली फ्लेक्स कर ले. जैसे ही वो फ्लेक्स करेगा आप क्यूबिटल फोसा में देखे तो आपको एक कॉर्ड लाइक चीज फील होगी विच इज दी बाइसेप टेंडन. उस टेंडन की मीडियल साइड पे आपने अपना थंब प्लेस करने, उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो वहां पे आपको ब्रेकियल पल्स मिलेगी. कैरोटिड. अच्छा कैरोटिड भी आगे मैंने तो बता दी थी. कैरोटिड पल्स के लिए स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के इंटीरियर बॉर्डर को स्लाइड्स नहीं शो हो रही. स्लाइड्स नहीं शो हो रही. स्लाइड्स स्क्रीन शो नहीं हो रही. बच्चे स्क्रीन से नहीं पढ़ा रही है, मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ वैसे भी. लॉग बुक में ये चीज नहीं गिवन आपकी, ठीक है. इसलिए मैं कह रही हूँ कि साथ साथ आपने वो जो आपकी है बेड साइड टेक्निक उसको जरूर देखें. लॉग बुक में तो बस पल्स एंड हो गई, ठीक है. यहाँ से मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स और बता रही हूँ. फिर उसके बाद आ जाती है कैरोटिड पल्स. कैरोटिड पल्स मैंने बताया इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेरोक्लेडोमास्टॉइड पे प्रेस करेंगे, ठीक है. और दोनों को आपने बायलेटरली प्रेस नहीं करना क्योंकि इससे ब्रेन को जो सप्लाई है ब्लड की वो ऑक्लूड हो जाती है, ठीक है. So faintness and which can even lead to death, okay? So don't palpate them bilaterally. एक time पे एक side से. Femoral pulse आ जाती है. Femoral pulse को भी thumb के साथ अगर हम palpate करना चाहें या finger के साथ तो कैसे करते हैं? Interior spiracolic spine से हम palpate करते हैं inguinal ligament को toward the pubic tubercle
और ऑलमोस्ट हाफ वे जाके हमें जो है वो फेमोरल पल्स फील होगी। उसके बाद आती है पॉपलीटल पल्स। पॉपलीटल पल्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। पेशेंट अपना जो है वो नी उसको बेंड करते हैं अराउंड 120 डिग्री, ठीक है, और फिर हम अपनी हैंड की फिंगर्स उसमें पुश करते हैं पॉपलीटल फोसा में। ड्रोसेलस पीडिस आर्टरी, ये जो आपके मेटाटार्सल्स हैं, ठीक है, फेलेंजेस और टार्सल्स के बीच मेटाटार्सल्स हैं, तो जो फर्स्ट मेटाटार्सल स्पेस है यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपके मेटाटार्सल बोन्स हैं उन दोनों के बीच की जो जगह है उसमें प्रॉक्सिमल एरिया में, प्रॉक्सिमल पार्ट में आपको डोर्सेलस पीडिस पल्स फील होती है और पोस्टीरियर टिबियल पल्स बिहाइंड द मीडियल मैलोलस पल्पेट करते हैं हम। जरा सब लोग अपनी करें, पोस्टीरियर टिबियल पल्स पल्पेट हो रही है? यस मैम। यस मैम हो रही है। जी मैम। चलें अच्छी बात है अगर हो गई है तो। मैम डोर्सेलस पीडिस वाली नहीं इतनी कोई समझ आ रही। मैम कैसे कर बेटा आपका जो मोस्ट मीडियल और उसके साथ जो सेकंड वन मीडियल मेटाटार्सल है ना उन दोनों के बीच जो स्पेस बन रही है, मेटाटार्सल्स है ना, फाइव मेटाटार्सल्स है ना हमारे, तो मोस्ट मीडियल और जो सेकंड मोस्ट मीडियल है दोनों के बीच, यानी कि आप कह लें कि जो आपका बिग टो है उसके पीछे जो एरिया है दो मेटाटार्सल के बीच का, वहां पे आपने पल्पेट करना है। मैम नहीं मिली, मैम नहीं मिल रही। बेटा ये प्रैक्टिस से मिलती है, प्रॉक्सिमल एरिया में देखे मुझे तो मिल गई है हाथ रखते ही। हाँ जी लाइट आ रही है और वैसे भी ये प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट गो में मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे पास आता है दैट इज 120/180 मिलीग्राम मर्करी, ठीक है। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। हाइपरटेंशन की बात करें तो मोर देन 140/90 हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन लेस देन 90/60 में आ जाता है। बेटा ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर और एक हमारे पास होता है एनीरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर। मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर स्टिल मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू एनीरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। दोनों का डिफरेंस पता है या नहीं पता? मैं मर्करी वाला यूज किया हुआ है, दूसरा नहीं पता। एनीरॉइड में सिंपल एक डायल सा होता है, ठीक है, डायल सा होता है और उसके साथ ट्यूबिंग सारी अटैच्ड होती है, तो वो जैसे हम इन्फ्लेट करते हैं कफ को तो नहीं, वो जो दूसरा उसका बैलून टाइप पार्ट होता है उसको प्रेस करके इन्फ्लेट करते हैं तो वो जो डायल होता है उसके ऊपर नीडल मूव करती जाती है, उसका प्रेशर इंक्रीज होता है जैसे जैसे। मैम वो नहीं वैसे यूज किया, दूसरा किया हुआ है। क्या हुआ मैम? ये वाला यूज नहीं किया, मर्करी वाला किया हुआ है। अच्छा ठीक है, ज्यादा रिलायबल भी मर्करी वाला ही है, ठीक है। अच्छा जी अब हम क्या बात करें, मेथड की बात करें। पेशेंट मस्ट बी रिलैक्स एंड रेस्टिंग पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है, प्रेफरेबली सिटिंग पोजीशन प्रेफर्ड होती है एज कम्पेयर टू द लाइंग, ठीक है। और जो मैनोमीटर होता है स्फिग्मोमैनोमीटर मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल एज कफ ऑन द पेशेंट आर्म। हम कोशिश करते हैं कि जो कफ है और जो स्फिग्मोमैनोमीटर है उनको सेम प्लेस पे हम प्लेस करें। इन केस ऑफ एनीरॉइड इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन मर्करी के लिए ये रिकमेंडेड होता है कि ये इस तरह से किया जाए। अब करते हैं हम क्या है, हम कफ को रैप कर देते हैं अराउंड द पेशेंट आर्म, ठीक है। इस तरह से रैप करते हैं कि टू फिंगर डिस्टेंस, इतना हमने टाइट उसको रैप करना है कि टू फिंगर डिस्टेंस रह जाए। दो फिंगर्स अगर आप अपने बीच में जो है वो इंसर्ट करना चाहें कफ और आर्म के बीच
तो वो इंसर्ट हो जाए। और सेकेंडली एक और पॉइंट आपने ख्याल रखना होता है कि कफ जो आपका क्यूबिटल फोस है उसे 2.5 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच ऊपर की तरफ प्लेस दो। ठीक है, सेट कर लिया आपने कफ को। उसके बाद वो जो जो कफ होता है ना उसके साथ एक ट्यूबिंग आ रही होती है, ट्यूब आ रही होती है जो कि इधर से मैनोमीटर के साथ अटैच होती है। वो ट्यूब जो है वो आर्म की मीडियल साइड पे आनी चाहिए। ठीक है, अब जी क्या हुआ, हमने कफ को सेट कर लिया। ठीक है, अब कफ के बाद हमने देखना है कि अब हमने चेक कैसे करना है। हमारे पास दो मेथड है, एक को हम कहते हैं पल्पेट्री मेथड, ठीक है, और दूसरे को ऑस्किलटेटरी कहते हैं। पल्पेशन हम इसका मतलब है हाथ से कुछ कर रहे हैं, और ऑस्किलटेशन का मतलब है कि हम इसको स्टेप से देखेंगे। पल्पेट्री मेथड पहले देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी फिंगर्स की हेल्प से रेडियल पल्स को फील करते हैं, और साथ ही हम क्या करते हैं कि कफ को इन्फ्लेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इतना इन्फ्लेट करते हैं कि जहां पे हमें वो रेडियल पल्स फील होना बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो रेडियल पल्स जो है वो डिसअपियर होती है तो हम क्या करते हैं, हम साथ ही जैसे प्रेशर रिलीज कर देते हैं, डिफ्लेट कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिलीज हो रहा है कि एक पॉइंट आता है कि आपको जो है वो साउंड जो है रेडियल पल्स की वो दोबारा से ऑडिबल हो जाती है। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे रेडियल पल्स की दोबारा ऑडिबल होती है साउंड, इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है और ऑस्किलटेटरी मेथड से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये मेथड इतना रिलायबल नहीं है, हम क्या करते हैं ऑस्किलटेटरी मेथड लेते हैं। ऑस्किलटेटरी मेथड में हम क्या करते हैं, हमने ब्रेकियल आर्टरी को पल्पेट किया जो कि कहाँ थी, बाइसेप्स टेंडन की मीडियली लाई कर रही थी, जहां पे हमें वो पल्पेट हुई वहां पे हमने अपना स्टेथ प्लेस कर दिया। साथ ही इधर से हमने क्या किया, अगेन हमने जो है वो इन्फ्लेट किया कफ को, और कितना इन्फ्लेट किया, जितना हमें पल्पेटरी मेथड से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया था ना उससे थोड़ा ऊपर तक हम ले गए प्रेशर। एक तो ये मेथड होता है, और दूसरा अगर इन केस आपने पल्पेटरी मेथड से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फाइंड आउट नहीं किया होता तो फिर हम क्या करते हैं, हम इतना इन्फ्लेट करते हैं कि हमें जहाँ पे रेडियल जो पल्स है वो आना बंद हो जाती है उसकी साउंड। अब हमने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता हम प्रेशर रिलीज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जहाँ पे हमें साउंड आती हैं ऑडिबल होती हैं जिन्हें हम कॉर्टिकोफ साउंड्स भी कहते हैं, जहाँ पे वो ऑडिबल होती हैं वो हमारे पास होता है सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद क्या होता है, ये साउंड आहिस्ता आहिस्ता लाउडर होती जाती हैं जैसे जैसे हम प्रेशर लोअर करते हैं, एंड सडनली दे डिसअपियर और बिकम फेंट। जहाँ पे ये फेंट या डिसअपियर हो जाती हैं That point is the diastolic blood pressure. ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक सबको yes. सब कुछ पता चल गया? Yes, yes, बच्चे क्या कह रहे हैं? हम diastolic वाला point क्या बताया था अभी? Diastolic वाली कब पता चलती है? End होगी बच्चे, जहाँ पे वो जो साउंड है ना फेंट हो जाती है या बिल्कुल आना बंद हो जाती है, ऑलमोस्ट फिनिश हो जाती है। ठीक है, वो आपके पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। कभी मयूर किया है ब्लड प्रेशर? यस मैम, बहुत किया है। अच्छा, किसका किया है? मैम एक्चुअली लास्ट टाइम जब हम कोविड से गए थे तो जो छुट्टियां हुई थी उसमें मैं क्लिनिक में जाती थी तो उधर बस यही काम किया मैंने। अब तो वो ऑटोमेटिक मशीन्स है ना, वो तो उससे तो बच्ची पूरी लाइव हम डिजिटल, मैं तो कभी भी रिलाई नहीं करती वो, वाकई मैम वो सही नहीं है। वो नहीं ठीक बताती, या तो थोड़ा सा कम आता है या थोड़ा सा ज्यादा आता है। मेरे घर जो है उसमें हमेशा ज्यादा ही देती है वो। यस मैम सेम, डिजिटल में थोड़ा सा कम ही ज्यादा, डिजिटल में यही होता है मैम। लेकिन डिजिटल वाली घरों में तो आपको पता वो यूज होती है। नहीं मैनुअल वाली, मैंने तो मैनुअल वाली से ही चेक किया हुआ है मम्मा का कर करते हैं। मैम हम लोग दोनों यूज करते हैं। चलें मैम चेक कैसे करते हैं? क्या बेटा सिर्फ ब्लड प्रेशर डिजिटल में? नहीं नहीं मर्करी वाले में मैम। बेटा अच्छा मर्करी, बेटा उसमें सामने आपके पास मर्करी आ रहा होता है ना,
जहां पे अब आप देखें आपने उसको डिफ्लेट किया ना, तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिलीज हो रहा है, तो एटवंस आपको शार्प साउंड आना शुरू, एक एटवंस साउंड आना शुरू होती है पहले, जहां वो साउंड आती है साथ ही आप वो मर्करी के लेवल की तरफ देखते हैं कि मर्करी इस टाइम किस पॉइंट पे है, फटाफट वो लेवल नोट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो साउंड लाउड होती जाती है और फिर एडवांस वो डिसअपियर हो जाती है, जहां भी वो डिसअपियर होती है अगेन आप मर्करी के लेवल की तरफ देखते हैं और वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। इसी तरह एनीरॉइड सिग्मोमैनोमीटर में भी होता है कि वो डायल जहां पे आपको साउंड आना शुरू होती है आप देखते हैं कि नीडल इस टाइम किस पॉइंट पे है, ठीक है, वो सिस्टोलिक होता है, फिर आप क्या करते हैं कि आप उसको साउंड लाउड होती है, फिर वो डिसअपीयर मैम हो जाती है। उसके बाद कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो बगैर स्टेथोस्कोप के यूज कर लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं, वो क्या सीन है मैम? वो रेडियल से करते हैं ना बगैर स्टेथोस्कोप के। एक चीज देखें उसमें जैसे ही साउंड, उसमें जैसे ही आपके पास जो है ना वो, अच्छा बच्चा ये चीज एक्सपीरियंस से आती है ऑस्कल्टेटरी में, उसमें जैसे ही आपको साउंड आना शुरू हुई ना तो वो आपने लिया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और उसके बाद ना आपको टर्बुलेंस फील होती है, ठीक है, टर्बुलेंस रहती है, जैसे ही वो टर्बुलेंस एंड होती है ना जहाँ पे, तो वो आपके पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इसी तरह से आप मर्करी में भी एक्सपीरियंस देखेंगे कि अगर जो सामने शख्स बैठा है ना वो नोटिस करे ना, तो मर्करी टर्बुलेंस, मर्करी में टर्बुलेंस शुरू हो जाती है, मर्करी का जो लेवल है मर्करी में ना, जहाँ पे वो टर्बुलेंस शुरू होती है वो सिस्टोलिक होता है, जहाँ पे वो टर्बुलेंस स्टॉप होती है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। मैम और मर्करी में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो तब स्टार्ट होगा ना जब शार्प आवाज आएगी? बेटा नहीं, जहाँ से साउंड आना शुरू होती है ना, जहाँ से साउंड आना शुरू होती है ना वो आपके पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और मैम एक्सपीरियंस से पता चलता है, वैसे कुछ नहीं समझ आता। मैम डिजिटल में भी ऐसी है ना? बेटा डिजिटल में तो बस वो खुद ही इन्फ्लेट डिफ्लेट करके आपको एक वैल्यू दे देता है। मैम इसका तो प्रैक्टिकल होगा तो हम लोगों को अच्छे से पल्स लेनी आएगी, क्योंकि रिसेंटली मैं अपनी मदर को लेके जाती रही, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी तो अच्छा। उनका ब्लड प्रेशर चेक करना होता था तो हम लोग मैनुअल अपरेटस लेकर आए हैं, पहले डिजिटल अपरेटस था उससे सही मैं ये नहीं होता था, तो उनका अच्छा। मैंने मैकेनिकली चेक करने की कोशिश की है तो वो मुझे चेक ही नहीं करना आता था, तो दो तीन दफा मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और उन्होंने मुझसे पूछा है कि, और उनको ये यकीन ही नहीं आया कि मैं डीपीटी की थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे ब्लड प्रेशर मैनुअली नहीं चेक करना आता। तो मैम ये तो हमारे लिए शर्म की बात है, हमारा इंस्टीट्यूट हमें सिखाएगा तो फिर हम लोग आगे जाके कुछ कर सकते हैं। मैंने तीन दिन जाके उनके पास हर तरह से ये जो पैल्पेट्री मेथड है रेडियल का ये भी सीखा है और वो दूसरा मेथड भी सीखा है मैकेनिकल। हम इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को करवाएं ये लोग एससीपी की रोटेशन। मैम एक्चुअली एक दफा हमें सिखाया था लेकिन एक अपरेटिस था और 100 प्लस की क्लास थी, मैम ने हमें एसेसियोलॉजी की क्लास सिखाया था, वो भी और मैम उसमें भी मैम ने हमें कहा था कि आप लोग खुद खुद बैठ के सारे अपने दोस्तों के साथ करें चेक, तो उसमें किसी ने किया अभी मैंने नहीं किया था और जो कर भी रहा था उसका पता नहीं सही था अभी कि नहीं, क्योंकि आज जब तक टीचर नहीं देखेगा तो उसको कैसे पता है बच्चे को कि सही है आप ही जाएंगे। अच्छा बच्चे देखते हैं अगर कैंपस ओपन होता है, रोटेशन नहीं भी कराते तो चले ब्लड प्रेशर टेम्परेचर इस तरह की दो चार चीजें का प्रैक्टिकल में कोशिश करूंगी, वाइटल साइंस के तो पता हमें होना चाहिए ना, बुलवा के करवा दूं। और दूसरी बात ये कि मैं आपके लिए अरेंज कर सकती हूँ, मेरी मदर की तरफ है ये थर्मोमीटर कह रही हूँ ब्लड प्रेशर ऑपरेटर, बट द प्रॉब्लम इज कि मॉडल किसको लूंगी। मैम मेरे पास भी है अपरेटस इधर, मैं हॉस्टल में ही हूं अवेलेबल, अगर आप सिखाएं तो मैं ले आऊं। मेरे पास मॉडल अवेलेबल नहीं है, जिस मॉडल पे मैं आपको ना चेक करके दिखाऊं कि देखिए इस तरह से मैंने किया, हम सब पे करके दिखा दीजिएगा। चलें कैंपस में आप लोग आते हैं तो दिखाती हूं। जी मैम ये पीछे मेरे बेबी ने क्या किया, अपना पानी का कप सारा बेड पे गिरा दिया है। मैं कह रही थी मैंने कहा चलो मैम गर्मियां है, मैंने कहा चलो मैं सूख जाएगा अभी, हां मैंने कहा चलो अच्छा खुशी खुशी खुद ही खेल रहा है जिसने मुझे तंग नहीं किया, लेकिन वो अभी मैंने देखा है जो उसने पानी शानी सारा गिरा दिया अपने कप पे। मैम गर्मी है कोई बात नहीं सूख जाएगा। मैम आपके बेबी से भी मिलना है, लेके आती है मेरा बेबी रस्ती आता है। मैम कितने साल का बेबी आपका? ये 8 मंथ का होने वाला है। माशाल्लाह मैम ये लड़का है कि लड़की है? बेबी बॉय मोहम्मद इब्राहिम। ओके मैम जी
चलिए बच्ची, आज के लेक्चर में हमने जो है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने वो ऑस्किल्टेशन देखी थी वीडियोस? मैंने कहा था देखने के लिए कि पढ़ना है आपने खुद से वो लिम्फ नोड्स का। जी बच्चों, किसी ने लिम्फ नोड्स देखी थी कि नहीं देखी थी? मैं पढ़ा इसका मतलब है कोई नहीं देखा था, कोई थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैम हमारे क्विजेस चल रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग बहुत बेटा कोई भी इसका वीक ओवर नहीं हुआ अभी तक। कल भी क्विज है, अभी क्विज है, परसों भी क्विज है, दो मैम क्विज होते भी शाम के टाइम पहले क्विज भी था। एक मिनट ठहर जाएं बच्चे, अभी बात नहीं करी, मेरी हैंड फ्री उतर गई है जी। अब बोले मैंने कहा कि कोई खत्म ही नहीं हुए अभी तक। नो मैम, अभी भी टू क्विजेस हैं, कितने पड़े हुए हैं अभी भी, हमारी क्विजेस रहते हैं, चल रहे हैं साथ-साथ मैम। अच्छा जी मैम, थर्सडे को लास्ट है मैम, लेकिन पढ़ा था हमने इसका भी। अच्छा ठीक हो गया। पढ़ी हैं कुछ की जी मैम? प्रेजेंटेशंस भी ले रहे हैं टीचर्स कुछ। एसटीपी की है वैसे ही? एसटीपी की नहीं, दूसरे सब्जेक्ट मैम, बाकी सब्जेक्ट्स की सारी चीजें थी। था कि आप प्रेजेंटेशन जो है वो बताएंगे हमें मैम, वो हमें डेट बता दें ताकि हम लोग मिड से पहले फारिग हो जाएं। जी मैंने प्रेजेंटेशन लेनी है, बात ये है कि अभी ना मैंने शेड्यूल नहीं बनाया, टॉपिक नहीं फाइनल, मतलब चीजें फाइनल नहीं हो पा रही थी एसटीपी की। जैसे आप लोगों ने परफॉर्मेंस का कहा था, मैंने कल जाके पता किया तो मैंने कहा जी डॉक्टर हारिस से हम पूछ के आपको बताते हैं, लेकिन अभी तक वो कोई नहीं उसका भी रिप्लाई आया। लॉग बुक आप लोग प्रिंट करा लें आराम से, उस पर काम शुरू करें। परफॉर्मेंस में आज कुछ उनसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके पूछ के तो आपको फिर ई मेल पर बताती हूँ, ठीक है मैम? लेकिन हम लोग ने जो आपने हमें पीडीएफ दिया हुआ है इसके ऊपर सॉल्व नहीं कर सकते बेटा इसको, लेकिन हार्ड फॉर्म में ये नहीं मैम, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हार्ड फॉर्म में ही आपको सबमिट करानी है या हम आपको पीडीएफ फॉर्म में भी सबमिट करा सकते हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। हार्ड फॉर्म में करवानी है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्योंकि मैम, क्योंकि मैम पिछली दफा क्या हुआ था कि हमारी मैम ने कहा था जिसने जिस तरह करवानी है सबमिट करवा दे, तो हम लोगों ने दोनों तरीके से हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी सबमिट करवाई थी। बेटा आवाज चली गई है, आवाज चली गई है, हार्ड मैम मैं कह रही थी कि ना पिछली दफा हमारी मैम ने कहा था कि पीडीएफ फॉर्म में भी आप सबमिट करा सकते हो और हार्ड फॉर्म में भी सबमिट करा सकते हो लॉग बुक ना, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि हम लोग सिर्फ हार्ड फॉर्म में करवा सकते हैं। जी बेटा सिर्फ हार्ड फॉर्म में, मुझे पढ़ाई किताबों पे ही अच्छी लगती है। ओके मैम चलिए ठीक है फिर बच्चे, इसको जरूर बेडसाइड टेक्निक से पढ़ें, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है और वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आपकी डेवलप होगी। बल्कि लॉग बुक में देखो उन्होंने साथ साथ पेज नंबर्स मेंशन किए हुए हैं बेडसाइड टेक्निक के ना, तो वो पढ़ें और वहां से तैयारी करें। आज चाहे मैं बेस्ट के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ वीडियोस भी देखें। डे 5 कम्प्लीट हो गया जी? डे 5 कम्प्लीट हो गया आपका? बेटा समझ नहीं आई क्या कह रही हैं आप? मैम डे 5 का पूछनी है कि कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? क्या कंप्लीट हो गया ये नहीं? डे 5 आज का लेक्चर। बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, मैं कह रही हूँ कंप्लीट है, ठीक है? ओके मैम। ओके जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। बच्चे कोई क्वेश्चन हो पूछ लिया करें फ्रीली, चाहे क्लास में या चाहे ईमेल से, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। मैम क्या कह रहे थे? मैम तो नहीं सबमिट कराने की तुम्हारे बेटा, आपकी आवाज स्टार्ट हो रही है जो समझ नहीं आ रही मैम। बाकी बच्चे लीव कर दें जी, बच्चे लीव कर दें, जिसका क्वेश्चन है वो पूछ ले मुझसे मैम। हमारी अटेंडेंस मैम, मैं ये पूछ रही आपकी जूम की जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि हाँ हमारे जो होम टास्क हैं जो आप दे रही हैं हमें, ये हमने अभी साथ साथ फिल करने हैं कि हम क्विजेस के बाद भी फिल कर सकते हैं आराम से? बेटा इसको साथ साथ फिल करें, आराम से कुछ नहीं होता, जो काम साथ होता है वही होता है, अदरवाइज नहीं होता। ओके मैम, पेंसिल फिल करने हैं लाइट पेंसिल से? बेटा बॉल पॉइंट।
क्योंकि मैम एसीपी 1 वाली जो थी ना लॉग बुक वो हमने लेड पेंसिल से सॉल्व की थी इसके साथ बॉल पॉइंट सॉल्व करेंगे अब मैम मार्कर तो नहीं ना यूज करना मैम ये हां जी मैम मैं कह रही हूँ कि ब्लू बॉल पॉइंट से हमने फिल करना है ना और साथ में कोई मार्कर तो नहीं यूज करना ब्लू बॉल पॉइंट से करना है मार्कर दिल करता है तो कर ले नहीं करना तो ना करें इसमें कौन सी टेंशन की बात है नहीं मैम पिछली दफा ना हमारी एसीपी 1 में ना उन्होंने कहा था कि नहीं आप लोगों ने सिर्फ पेंसिल से करना है आपने कुछ और चीज यूज नहीं करनी इसलिए पूछ रहे हैं अच्छा नहीं नहीं आप कर सकते हैं बॉल पॉइंट से ओके मैम ये लोगबुक यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी बेटा यूनिवर्सिटी से मुझे नहीं पता मिलती है कि नहीं मिलती आप लोग प्रिंट ले लें इसका यार कोई जाके देना और फिर बाद हमें भी बता दे कि वहां से मिल रही है कि नहीं मिल रही पता कि अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो हम वहीं से परचेस कर लेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस भी अटैच होते हैं तो आप लोग आराम से बुलवा लो ना मैम यूनिवर्सिटी हमारी ओपन है स्टूडेंट्स को जाने दे रहे हैं बच्चे स्टूडेंट आए होते हैं मुझे नहीं पता किस तरह आए होते हैं लेकिन आए होते हैं विदाउट मेल नहीं जाने दे रहे मेल के बगैर नहीं जाने दे रहे तो मैम हम आपको मेल करके अंदर जा सकते हैं मतलब लॉग बुक लेने के हमने लॉग बुक लेने आना है बेटा पता नहीं कितने 10,000 लोग मुझे ईमेल कर दे मैं किस किस का अप्रूवल देती रहूंगी मैम आप मैं आपको मेल कर दूं और मैं मतलब लॉग बुक ले आऊं फिर मैं बता दूंगी सबको कि लॉग बुक मिल रही है कि नहीं आप वेट कर ले मैं ही अभी डॉक्टर हारिस को कॉल करके पूछ लेती हूँ ठीक है ओके मैम थैंक यू ओके जी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ मैम